समाजवादी पार्टी के नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, और किसी पार्टी भाजपा के नेता ने, किसी जिनकी सरकार है उन्होंने किसी आदमी को भेजा मदद करने? अभी तो चंद्रशेखर पर ताकत नहीं, जिस दिन ताकत होगा ये गुंडे छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से, किसी बहन बेटी तरफ आँख उठा के भी देखेंगे। ऐसा माहौल आएगा कि हर आदमी खुशहाल महसूस करे जो अधिकारी कर्मचारी घूस लेते हैं, घूस छोड़ के इंसान बन के काम करेंगे, सुबह दफ्तर में टाइम से पहले आएंगे और टाइम के बाद दफ्तर से जाएंगे। सर कई बार आप कहते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने बीएसपी को वोट दिया, उसी बीएसपी के नेता पहली चुनावी रैली की घोषणा ऐलान यही 6 अप्रैल से करने जा रहे हैं आकाश। मैं उनका स्वागत करता हूं उनकी रैली में, मैं आजाद समाज पार्टी के लोगों को भेजूंगा, मैं खुद आजाद समाज पार्टी के लोगों को उनकी रैली में भेजूंगा, जिससे कि उन्हें रैली में नहीं समर्थन में, उनको रैली में महसूस ना हो कि भाई भीड़ कम है। लंगीना की जनता तो मन बना चुकी, उन्होंने बहुत सारे, देखो बाबा साहब ने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो थोपने से कोई नेता नहीं होता है, तो समाज देख रहा है कि कौन लड़ रहा है, मर रहा है। बहन जी भी 13 अप्रैल को रैली करेंगे, अगर वो कह दे याद दे तो मैं उनके स्वागत में खुद ही चला जाऊंगा। मैं तो हमेशा उनको बड़ा ही मानता हूं। रैली का स्वागत करेंगे? नहीं, मेरी तरफ से पूरा स्वागत है, और वो मुझसे याद दे तो मैं उनकी रैली में जाऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। सपा बसपा और आपसे अलग लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा होगा? जनता सब देख रही है, जनता फायदे जैसी जगह नहीं छोड़ेगी। आप बताओ, आप मीडिया के साथी हो, यहाँ चुनाव किस किस के बीच में आप और मैं जानते हैं? यहाँ आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच में चुनाव है, जो तीसरे चौथे विपक्ष को वोट देगा अपनी वोट ही खराब करेगा, नहीं करेगा? तो जनता समझदार है, जनता तो आप ये देखते हैं कौन आदमी जीत रहा है, और सबको पता है, धरती बोल रही है, जितनी मेहनत हमारे नेताओं ने यहाँ की है जमीन में, बब्बू और तमाम हमारे साथी नेता जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आलोक भाई और सब लोग, 650 गाँव तक मैं खुद चला गया और कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जहाँ हमारी बूथ कमेटी संगठन ना हो, और गाँव में नेताओं को बैठना नहीं दे रहे हैं, पैसे दे दे के लोग प्रोग्राम करवा रहे, कुर्सी भी अपनी दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग लड़ रहे हैं कि हमारे गांव में नहीं आ रहे, हमारे गांव में नहीं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के जान बचा रहा हूँ कि चुनाव के बाद आ जाऊंगा, चिंता मत करो, चंद्रशेखर आपके साथ हमेशा रहेगा। मुख्तार अंसारी की डेथ पे अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट किया, उन्होंने नाम तक नहीं लिखा, जबकि मुस्लिम समाज उनको बेतहाशा वोट देता आया है। यार मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन यहाँ जहाँ मैं, अखिलेश जी ने नाम नहीं लिखा अपने ट्वीट, यहाँ मैं जब जहाँ हूँ वहाँ से फ्लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई और बाकी साधन मेरे पास नहीं है कि मैं तत्काल हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाता, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया। मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुत बड़ा नुकसान पूर्वांचल के लोगों को हुआ, एक मसीहा ने जो है वो आज दुनिया में नहीं रहा। आज हम खाओ का भी आपने जिक्र किया। हाँ, मैंने जिक्र किया, मुझे मैं मानता हूँ उनकी जान को भी खतरा है, हो सकता है कभी भी उनके साथ भी कोई दुर्घटना हो। देखो मैं कहता हूँ, जिसने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको कानून व्यवस्था द्वारा मिलेगी, लेकिन अगर गोलियों बंदूकों से बुलडोजर से न्याय करोगे तो फिर न्यायपालिका की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, फिर न्यायपालिका को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर जजों की जरूरत नहीं रहेगी। अखिलेश यादव खुल के साथ उस वर्ग के साथ क्यों नहीं आ पा रहे जिनको कई बार मुख्यमंत्री बनाया? अब ये तो उनको देखना है, वो वर्ग भी देख रहा है, समझ पा रहे हैं वो वर्ग? हाँ वो, अरे यहीं देखो आप जाके पता लग जाएगा। सम्मेलन में जाट समाज बहुत ज्यादा आगे आया है, तो आपको इस बात की खुशी है दुख है? खुशी है। तो भैया तो बहुत अच्छी बात, खुशी होनी चाहिए भाई, जो जो जानते हैं, देखो किसान ये जानते हैं, मैंने 13 महीने उनकी लड़ाई लड़ी, और जब पहलवान बेटे को एक जाति की बेटा बता के अपमान किया, खींचा गया, चंद्रशेखर आजाद सीना ठोक के खड़ा था, उसके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, तो वो समाज भी बहुत स्वाभिमानी समाज है, और वो बार बार कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम एहसान का बदला एहसान चाहूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करना तो सदियों सदियों देश में चलाया, और हम तो हमारे महापुरुषों से बाबा साहब ने कहा मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, तो हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, तो बहन बेटियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, इसको मैं एहसान नहीं मानता और मैं इस काम को हमेशा करता रहूँगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है, वी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि वी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID beamissiontv@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।